गुड मॉर्निंग टू एवरी तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर सिक्स के पार्ट सिक्स के अंदर आपने आई यू पी एस सी नोम ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ा तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर सिक्स का पार्ट सेवन जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे आई यू पी ऑफ अस्पाइरो कंपाउंड देखो स्पाइरो कंपाउंड क्या है इससे बात करने से पहले आपको हम कुछ बताएं आप बाईसाइक्लो कंपाउंड का जो नोम है उसका वीडियो आप जरूर देखें इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो कि मतलब इसमें समझने में आपको मदद करेगा वो थोड़ा क्लियर रहता है और ये पढ़ाएंगे तो कभी कभी बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट होता है जो कॉम्पेरेटिव होता है मतलब कॉम्पेरेबल होता है वो है ना इसके रिस्पेक्ट में इसको अगर करके समझे मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर उसको समझा जाए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है तो आप बाइसाइकलो का भी नॉमिनिकलेचर का जो ये एपिसोड है उसको भी आप जरूर देखें वो आपको इम्प्रूव करेगा अंदर से बूस्टअप करेगा जिससे कि आप जल्दी से और समझेंगे ओके तो देखो स्पाइरो कंपाउंड है क्या तो जैसा कि उस लेक्चर के अंदर भी हम बोले थे और इस लेक्चर में भी हम अच्छे से समझाएंगे तो स्पाइरो समझने के लिए बाईसाइक्लो समझो उसका तीन चार जो मेन चीज है उसको समझो बाईसाइक्लो के अंदर क्या था कि दो कार्बन कॉमन होते थे मतलब दो साइकिल के बीच में दो कार्बन होते थे और उसमें क्या कहते थे उसमें क्या किया जाता था कि हम लोग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कार्बन का काउंटिंग चैन बना करके square bracket के अंदर लिख देते थे यही मेन होता था है ना और तीसरा चीज जो था वो ये था कि जो भी काम करते थे जो भी चीज हमको लिखना होता था एनीथिंग एल्स कुछ भी कंसिडर करना होता था तो हम कार्बन हेड जो था ना उसी को जिसको हम लोग कह रहे थे क्या ब्रिज हेड कार्बन और हमने कहा था कि उसको बीएचसी भी कहते थे वहां से काम करते थे लेकिन बस यही तीन चीज रूल था उसके अंदर और वही यही तीन इसके अंदर भी रहेगा यही तीन इसके अंदर भी रहेगा लेकिन लिटिल डिफ्रेंसिएशन रहेगी लिटिल थोड़ा डिफरेंट रहेगा ओके थोड़ा अलग रहेगा अब क्या अलग है चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले हम आपके सामने एक कंपाउंड ले लिए पता नहीं बाईसाइक्लो है साइक्लो है स्पाइरो चैन है हमें पता नहीं फिलहाल ये दे दिया गया ओके अब इसको पहचानो कि क्या है तो बाईसो है तो सर हमें तो पता ही नहीं बाई कैसे पहचाने और अगर पता है तो आपको पता होना चाहिए कि दो कार्बन होती है कॉमन सेक्शन में तो हम बाइसाइकलो बोलते हैं लेकिन यहां एक कार्बन कॉमन है ना ये दो साइकिल के बीच में एक कार्बन कॉमन होने की वजह से ये क्या है स्पाइरो तो क्या लिख देंगे यहां एक छोटा सा थ्योरी बना लो ऐसे तो वन कार्बन इज कॉमन क्या बिटवीन टू साइकिल बिटवीन क्या टू साइकिल तो दो साइकिल के बीच में एक कार्बन कॉमन है तो ये स्पाइरो हो गया पहला बात ये प्रूफ हो गया कि स्पाइरो जैसे ही आप पहचान ले कि ये स्पाइरो है तो इसके अंदर चैन देखने आता होगा हम उसमें चैन देखने के लिए सिखाए थे बाईसों में इसमें भी बता दे रहे हैं मिटा देते हैं हम इस तरीके से तो देखो तो एक चैन ये हो गया और एक चैन हो गया ना ये और बीच में अगर कार्बन दे दे तब तो ये दो साइकिल के रूप में दिखना शुरू होगा लेकिन ट्रीटमेंट जो करना था जो ट्रीट करते थे वो हम लोग चैन के जैसा करते थे हटाते नहीं थे मिटाते नहीं थे ओके लेकिन उसको निगलेक्ट करके चलते थे ठीक इसी तरीके से स्पाइरो के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे कि इस कार्बन को अंडर एस्टिमेट करेंगे निग्लेक्ट कर देंगे ओके तो जैसे ही निग्लेक्ट करोगे तो ये एक ये चैन आ जाएगा और इधर से एक ये चैन आ जाएगा उसमें हम लोग क्या करते थे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलते थे देखो सारा कुछ थोड़ा थ्योरी जो चल रहा है वो कॉम्परेबल चल रहा है तो उसका तो जरूर वीडियो देखो तो स्पाइरो के अंदर क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जर की ओर चलेंगे मतलब उसमें क्या करते थे कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलते थे लेकिन इसमें चलेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब जो पहले लिखाने वाला चीज होगा वो टू लिखाएगा उसके बाद फोर लिखाएगा कैसे लिखेंगे क्या करेंगे एग्जाम्पल देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ओके तो सबसे पहले इसका रूल समझे और एक चीज और आप समझ लें ये जो कार्बन होता है ये फोर डिग्री कार्बन है कैसा डिग्री कार्बन है फोर डिग्री कार्बन फोर डिग्री कार्बन क्यों क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक कार्बन से अगर एक की संख्या में लगी हुई वो प्राइमरी होती है उसी को वन डिग्री कहते हैं दो कार्बन लगी रहेगी उसी को सेकेंडरी और टू डिग्री भी कहते हैं एंड सो ऑन तो इस कार्बन से देखिए कितना कार्बन लगा हुआ है एक इधर 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 एक इधर और एक इधर। तो एक एक और तो कार्बन से फोर कार्बन अटैच है तो इसलिए फोर डिग्री कार्बन हो गया अब इसका नाम कैसे लिखेंगे तो ये कहीं रूल तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम रूल बना दिया करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो देखो तो रूल नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले आप सबसे पहले उसका प्रीफिक्स समझे तो प्रीफिक्स क्या है नाम ही उसका स्पाइरो जो रहेगा वो रहेगा मतलब अगर कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है अगर कोई एक्स्ट्रा सब्सिट्यूएंट नहीं है तो ये कब लागू होगा ये लागू तभी होगा याद रखना इसमें ये ऐसा कर देते हैं कि वेन सब्सटीटूएंट आर भार्ट बाबू एबसेंस ठीक है ना याद रखना कि जब सब्सटीट्यूएंट क्या रहेगा एबसेंस रहेगा एबसेंट रहेगा कोई कहीं भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है

अब देखो यहाँ यहाँ साइकिल में क्या करते थे कि जीरो लगाते थे जीरो इसलिए लगाते थे क्योंकि वन और टू होने का भी कंडीशन होता था मतलब वन टू हो सकता था लेकिन यहाँ एक है और एक से सारा का सारा कंबाइंड होगा एक ही रहवे करेगा तो और कोई होने की चांस भी नहीं बनती इसलिए हम लोग यहाँ टू थ्री वन जीरो कुछ भी नहीं लगाएंगे यहीं पर इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है तो स्पाइरो और टोटल कार्बन काउंट कर लो तो वन क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो क्या हो जाएगा पेंटेन एक डाउट हो रहा है सर यहां से आप हमेशा काउंटिंग करते थे इस बार यहां से कर दिए हैं बताते हैं आगे कि क्यों करेंगे ओके तो टु -टु, पेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन है तो पेंटेन कर देंगे कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट आ जाते हैं यहां यहां कैसे करोगे तो सेम चीज यहां भी लगाओगे स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से और इस क्या हो जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना तो इधर देख लो रिंग कितना है वन टू थ्री इधर भी देख लो वन टू थ्री इधर भी तीन का चैन और इधर भी तीन का चैन तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री क्या हो गया थ्री थ्री तो स्पाइरो थ्री थ्री और जितना कार्बन है तो सेवन कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन तो इस तरीके से हेप्टेन लिख दोगे बन गया कितना इजी कितना सिंपल है ओके okay? अब यहां भी देख लो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसका नाम लिखना है तो सेम चीज फॉलो करो स्पाइरो फिर स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद क्या करोगे तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सभी जगह पर अब ये कोइंसिडेंस इंसिडेंस इक्वल चल रहा है हम जान से दिए ताकि आप पहले सीख ले है ना तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दोनों जगह फोर फोर का तो कोई भी लिख लो है ना स्पाइरो नोने नाइन का नोन होता ना है उसमें एन लगा लेंगे सारे सिंगल है तो इन वर्ड लगा लिए तो नोनेन हो गया अब यहां क्या हो जाएगा तुम बताओ तो क्या लिखोगे अस्पाइरो और यहां वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ओके तो यहां क्या हो जाएगा स्पाइरो वन टू थ्री फोर फाइव 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 स्पाइरो फाइव फाइव और टोटल कार्बन कितना है इलेवन तो क्या हो जाएगा अन डेके हो जाएगा टेन का और वन हो जाएगा

लेकिन इधर चले जाओगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फिर यहां आ जाना है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तुम इधर से भी जा सकते तो इधर से भी जा सकते तो उसके लिए कोई ये नहीं है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके तो क्या लिखोगे ऐसे लिख दोगे अस्पाइरो क्या लिखोगे अस्पाइरो और यहां हो जाएगा थ्री वन टू थ्री फोर फाइव स्पायरो थ्री फाइव लेकिन बाई साइक्लो में ऐसा नहीं होता था पहले बड़े वाले को लिखते थे है ना लेकिन यहाँ हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे यहाँ हमने लिख रखा है मूव कहाँ मूव करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ना तो थ्री फाइव उसके बाद कितना टोटल कार्बन नाइन तो यहाँ भी क्या हो जाएगा नोनेन कोई प्रॉब्लम बिल्कुल लीजिए है सिक्स नंबर एग्जाम्पल आपके सामने है इसका कैसे बनाओगे तो वन सॉरी सबसे पहले काउंटिंग कर लेना वन टू का इधर है इधर वन टू थ्री फोर का है तो सबसे पहले लिख दोगे स्पाइरो ब्रिक ब्रैकेट और उसके बाद यहां क्या करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना तो क्या इधर टू का है तो टू और यहां कितना का इधर साइड फोर तो टू फोर और टोटल कितना है सेवन तो क्या हो जाएगा हिप्टीन या हो गया हिप्टेन है ना जो भी था तो बिल्कुल सिंपल था बस ये याद रखना है कि इसमें हम लोग को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है छोटा से बड़ा डिजिट ऐसे लिखते हुए चला जाना ओके हाँ। और इसमें वन जीरो का तो कोई चांस ही नहीं बनता तो आप एग्जाम्पल के तौर पे और इसको मतलब मेमोराइज करने के लिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो सबसे पहले चलो अब हम आपको कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल बनाने के लिए और हम भी बनाएंगे साथ में अब इसके अंदर मान लो कि डबल बाउंड लगा हुआ हो और सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो कैसे करोगे है ना तो इसको मिटाते हैं अगर डबल बाउंड लगा हुआ है या फिर कोई सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ हो तो इसका नाम किस तरीके से दोगे तो मान लो कि आपके सामने है ना एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले लें देखो सबसे पहले नोट पॉइंट लिख लें हम कि वेन सब्स्टिट्यूएंट आर लाई देन फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ठीक है और नोट सेकंड में क्या करोगे कि नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट कार्बन ऑफ स्पाइरो कार्बन मतलब कि स्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको और ये दोनों अप्लाई करना है उस पर और बना करके दिखाना है साथ में बनाएंगे ठीक है तो आप तो ये लीजिए एग्जाम्पल अब ये आपके सामने छ प्रॉब्लम है वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं देखने में भी और हैं भी बनाने में लेकिन सब हम कर रहे हैं ईजी है अगर इसको ध्यान से बनाओ तो सब का सब ईजी है कुछ ना कुछ सब में चेंजिंग किया हुआ है अब देखो यहां जो है यहां डबल बॉन्ड लगा दिया गया तो यहां सी एस थ्री ओ एच लगा दिया गया तो यहां ब्रोमीन लगा दिया गया यहाँ सी डबल ओ एच ओ एच है यहाँ सी एस थ्री है तो कीटोन है ब्रोमीन है नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर तीन चार की संख्या में लगा दिया गया तो आप कुछ नहीं आपके सामने जो हमने नोट पॉइंट लिखा था उस पर तो तो बगल वाले कार्बन से स्टार्ट कर दो ठीक है और बाकी का तो सारा रूल वही है तो जैसे हम इसका नाम लिखना चाह रहे हैं कि सर ये कैसे बनेगा इसमें तो डबल बॉन्ड है कुछ नहीं है देखिए आप सबसे पहले क्या करना है क्या इसमें सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है नो सर तो इसमें सारा कुछ नहीं है डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा से लिखा गया सबसे पहले बाकी रूल वही है अगर नहीं है तो अब मेन देखना ये कौन सा कार्बन है तो ये ये भाई अपना atra... कार्बन हो गया तुम्हारा कार्बन कार्बन तो के बगल में आप देखिए कि एडजस्टेंट का बगल की बगल में कौन कौन है तो एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है चार कार्बन है आपके पास इस चार कार्बन में से किसी को भी वन मान सकते हैं तो कहो कि तो प्रॉब्लम है सर किसको वन मानेंगे तो अभी हम क्लियर कर देते हैं तो सबसे पहले बात की स्पाइरो स्पाइरो के अंदर किस तरीके से काउंटिंग किया जाता है हम लोग किस तरीके से नंबरिंग करते हैं किस तरीके से नाम लिखते हैं तो नाम लिखने का रूल है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो हम लोग स्मॉलेस्ट रिंग में चलते हैं तो देखो वन टू थ्री फोर और यहां कितना है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब कि हम लोग फाइव वाला में तो जाएंगे नहीं जब भी जाना है तो फोर वाले में तो जब फोर वाले में जाओगे तो ये दो कार्बन का तो अब कोई मतलब ही नहीं निकलता है मतलब ये दो कार्बन को तो कहानी सेवा समाप्त हो गया अब बच गया इधर में तो सर अभी भी दो चीज है एक इधर है और एक इधर है तो देखो जब इसको वन मानोगे तो ये डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा और अगर इधर से वन मानते हो तो वन टू तो थ्री तीसरा पे डबल बॉन्ड पड़ेगा और प्रायोरिटी तुमको डबल बॉन्ड को भी देना है क्योंकि नियर डबल बॉन्ड क्या चाहता है कि हमको भी कम ही संख्या मिले आपको पता है डबल बॉन्ड बार, ट्रिपल बाउंड को भी एज ए फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही ट्रीट किया जाता है तो हम लोग नंबरिंग यहीं से कर देंगे ओके तो ये वन हो जाएगा हमारा ये लोग को मिटा देते हैं ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा थ्री फोर ये फाइव अब देखो यहां पर तुम इधर से भी सिक्स सेवन एट नाइन जा सकते हो लेकिन अगर इधर से जाते हो तो इस, इस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाएगा तो यहां से चले जाओगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आपके पास टेन कार्बन है अब बात रह गई इसका नाम लिखने का तो स्पाइरो लिख दोगे स्पाइरो लिखने के बाद वन टू थ्री फोर तो फोर लिखा जाएगा क्योंकि कम वाला पहले लिखना है अब वन टू थ्री फोर फाइव है तो फाइव लिख दोगे तो स्पाइरो और क्या लिख दोगे डेक स्पाइरोक वन और कहा डबल बॉन्ड है सिक्स पर तो क्या लिख दोगे वन सिक्स डेक वन सिक्स डाई और डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं इन तो लिख दिए स्पाइरो स्पाइरो क्योंकि इधर फोर कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव इसलिए क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव इधर का इधर चैन का फाइव है और डेकेन इसलिए कि टोटल कार्बन की संख्या डेक है पहले पर डबल बॉन्ड है और सिक्स कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो वन सिक्स तो अब बना के बगल में कौन कौन कार्बन है तो एक दो तीन चार तुम उधर जाओगे दर? नहीं सर इधर आएंगे क्यों उधर नहीं जाओगे क्योंकि उधर तो ज्यादा कार्बन है one, two, three, और हमको चलना है कम से ज्यादा की ओर ना उसमें बाईसाइक्लो में स्मॉलेस्ट से लार्जर चलते थे है ना इसमें क्या इसमें जो है वो उसमें उस चलते थे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट इसमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलेंगे है ना इसमें स्मॉल को पहले प्राथमिकता देना है तो टू हो गया इधर वन टू थ्री फोर हो गया तो इसको पहले करना है तो इसके बगल में दो हो गया अब देखो यहां से चलोगे तो वन टू थ्री फोर पड़ेगा वन टू थ्री फोर दोनों साइड से तो उतना ही पड़ रहा है तो चलो इसको ही वन मान लेते हैं अब इसको अगर इसको वन मानेंगे तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर कहीं भी मान लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इधर से भी जा सकते थे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सिक्स सेवन का ऑर्डर पर था और ये फोर फाइव का ऑर्डर तो इसलिए हम इधर ही से चल गए हैं इधर से नहीं जा रहे हैं बस लॉजिकल है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है ओके तो क्या लिख दोगे तो यहाँ सब्सटीट्यूंट लगा हुआ है तो सबसे पहले अगर रहे तो क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा फोर मिथाई क्या लिख दिए फोर मिथाइल अब कौन बचा बाबू तो स्पाइरो फोर मिथाइल स्पाइरो बिग ब्रैकेट और उसके बाद क्या हो जाएगा टू दो कार्बन है तो टू वन टू थ्री फोर तो लिखा जाएगा टू फोर फोर मिथाइल उसके बाद स्पाइरो टू फोर यहां से टू और यहां से फोर अब इसके बाद क्या बचा तो कितना कार्बन है दो खुलो तो देखने पर पता चला कि सेवन कार्बन है तो यहां लिख देंगे क्या हेप्ट 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 मतलब सेवन हेप्ट और क्या हो जाएगा हेप्टेन तक आ जाना उसके बाद फाइव ऑल मतलब कि पांचवा पर अल्कोहल है ऐसे ओ एच का होता है सफिक्स ऑल अगर ये प्रिफिक्स के रूप में रहता है तो हाइड्रोक्सी हो जाता है कहीं है, ना कहीं कही एग्जाम्पल है देख लेते हैं कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर जितना भी सब्सटीट्यूएंट जितना भी कुछ भी दिया हुआ रहे ब्रांच के रूप में तो एक ही उसमें से फंक्शनल ग्रुप होता है मेन होता है और उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं और बाकी जितना भी स्ट्रांग जितना भी कुछ भी रह ले बाकी सब सब्सटीट्यूएंट के रूप में होता है ओके ये आप दिमाग में रखें कोई भी नोमन के लिए अब देखो एक यहां पर है तो ये इसका कैसे ट्रीट करोगे इसके साथ कैसे किया जाए तो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री फोर तो इधर से थ्री का चैन है, है अब जाहिर सी बात है इसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे और यह स्पाइरो बगल तो में यहां से वन स्टार्ट हो जाएगा इधर से वन करोगे तो थ्री हो जाएगी और चूंकि ब्रोमीन को लिखना भी पहले इसलिए नंबर उसको वन दे देते वन टू थ्री फोर इधर तो इधर से भी ले सकते हो इधर से भी एक ही चीज है फाइव सिक्स सेवन एट क्या कर दोगे वन ब्रोमो क्या नाम लिखोगे वन ब्रोमो उसके बाद क्या कर दोगे aspiro. फिर बिग ब्रैकेट और इधर की संख्या कितनी है थ्री और इधर की संख्या वन टू थ्री फोर तो क्या हो जाएगा थ्री फोर और उसके बाद टोटल संख्या कितनी है वन ब्रोमो स्पाइरो थ्री फोर ऑक्टेन एट कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन ओके सो सिंपल नेक्स्ट आपके पास अब देखो ओ OH एच जो यहां बिहेव कर रहा था पेरेंट के रूप में फंक्शनल ग्रुप के रूप में मेन के रूप में अभी वो बिहेव करेगा सब्सटीटेंट के रूप में क्योंकि ये इससे ज्यादा पावरफुल है ओके okay? देखते हैं तो यह स्पाइरो अब मेन कौन होगा वन कहां से स्टार्ट करेंगे अब इधर तो जाएंगे नहीं इधर वन टू थ्री फोर कार्बन है इधर वन टू कार्बन है तो इसी में लेंगे चूंकि छोटा से चलना है बड़ा की ओर तो ये हो जाएगा क्या अगर इधर से चलते हो तो वन टू इधर से चलोगे तो वन टू थ्री पड़ेगा अब देखो मान लो इसको वन मान लेते हैं टू मान लेते हैं थ्री मान लेते हैं इसको फोर मान लेते हैं अगर इसको भी वन मानते ना तो वन टू थ्री फोर ही आता अगर तुम थ्री यहां के मानने के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन जाओगे तो ये दोनों को नंबर थोड़ा बड़ा मिल जाएगा और फोर इधर से जाते हो फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये लोग को थोड़ा नंबर कम मिल जाएगा ओके तो यही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कहीं कोई सब्सटीट्यूएंट हाँ एक यहां है तो ऐसे लिख दोगे फाइव हाइड्रोक्सी फाइव क्या हाइड्रोक्सी उसके बाद क्या कर दोगे अस्पाइरो बिग ब्रैकेट फाइव हाइड्रोक्सी अस्पाइरो बिग ब्रैकेट और इधर कितना टू वन टू थ्री फोर तो क्या हो जाएगा टू फोर यहां लिख दोगे ऐसे इस तरीके से टू फोर और क्या बच गया तुम्हारे पास सेवन कार्बन है तो लिख दोगे हेप्ट सेवन कार्बन है तो क्या लिख दोगे हेप्ट और यहां लिख दोगे फोर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो ऐसे इस तरीके से एसिड बर्ड या कार्बो कार्बोबर्ड कब लगता है जब फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ है उसका कार्बन उसके अंदर मर्ज ना हुआ हो उसके अंदर काउंट ना हुआ हो उसके अंदर हम लोग नंबरिंग में ना ले लिए उसी के अंदर में काउंट ना हो गया हो पेरेंट के अंदर तो ऐसी स्थिति में ले, ले लेते हैं ओके तो यहां हम लोग इस तरीके से नाम लिख दिए कोई प्रॉब्लम नहीं अब नेक्स्ट आपके सामने एक और है यहां अब इसका नाम कैसे लिखोगे भी बहुत ही इंटरेस्टेड है डबल बॉन्ड का, का काम किया हमने डबल बॉन्ड का, का काम नहीं किए हैं तो डबल बॉन्ड का भी काम करना होगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा टू फोर हेप्ट टू और यहां फोर हेप्ट और कहाँ है वन पे है तो वन इन क्या हो जाएगा वन इन और यहां हो जाएगा फोर कार्बोजिलिक एसिड इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं अब इसका कैसे बनाओगे तो देखो ये हो गया स्पाइरो कार्बन अब यहां हो जाएगा वन टू थ्री या फिर वन टू थ्री दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल पड़ रहा है तो इसी को वन मान लेते हैं वन टू थ्री फोर इधर आ जाएंगे तो इसको भी कम मिल जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो क्या लिख दोगे टू ब्रोमो क्या लिख दोगे टू ब्रोमो फिर क्या कर दोगे थ्री मिथाइल टू ब्रोमो थ्री मिथाइल और कहीं कोई कार्बन तो लिख दोगे फिर स्पाइरो बिग ब्रैकेट और नाइन कार्बन बिग ब्रैकेट के अंदर कौन सा वन टू थ्री तो लिख दोगे थ्री वन टू थ्री फोर फाइव थ्री फाइव तो क्या हो जाएगा टू ब्रोमो थ्री मिथाइल स्पाइरो थ्री फाइव कितनी कार्बन है तो नाइन तो लिख दोगे नॉन और कितने पर डबल बॉन्ड है फाइव तो क्या हो जाएगा नॉन फाइव इन नॉन फाइव इन कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी है एक आपके सामने ये बच गया तो आप देखिए ध्यान से हम इसको यहां लिख देते हैं इसके अंदर ऊपर में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आप इसके अंदर ठीक से समझें हम इसको इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को हम यहां से लेके आ जाते हैं यहां ऐसे इस तरीके से अब इसके अंदर लिख देते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है अब इसको देखिए अब कहां से स्टार्ट कीजिएगा वन टू थ्री तीन कार्बन इसके अंदर भी है वन टू थ्री तीन कार्बन इसके अंदर भी है अब यहां देखो ये यह स्पाइरो कार्बन है अब कार्बन से हम लोग को प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को नहीं देना है हमको एडजेसेंट को मान लेना कि इसको वन माना जाए ठीक है तो अब देख लो अगर इसको वन मानते हैं ये हैवी पावरफुल तो वन टू थ्री फोर और यहां क्या हो जाएगा फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और यहां हो जाएगा सिक्स सेवन ठीक है तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब इसका आपको नाम लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे तो इसका सीधा सा नाम हो जाएगा आपके पास कहां, कहां है तुम्हारा ब्रोमीन है एक सबस्टिट्यूएंट और एक सबस्टिट्यूएंट नाइट्रो है नाइट्रो है थ्री नंबर पर तो नाइट्रो का स्पेलिंग स्टार्ट हो जाएगा एन से ब्रोमीन का बी से और कीटोन का के से तो जे के एल एम एन कीटोन पहले आना चाहिए और ब्रोमीन उससे भी पहले आना चाहिए तो यहां ऐसे लिख दोगे फाइव ब्रोमो है ना चूंकि पांचवा पे ब्रोमो है तो फाइव ब्रोमो उसके बाद सेवन कीटो सेवन कीटो फिर क्या है थ्री नाइट्रो जे के एल एम एन होता है ना तो थ्री नाइट्रो नाइट्रो है तो थ्री नाइट्रो और उसके बाद कोई बचा हुआ नहीं है तो स्पाइर लिखाएगा और बिग ब्रैकेट और इधर थ्री और इधर भी थ्री तो थ्री थ्री इधर भी थ्रीन कार्बन और इधर भी थ्रीन कार्बन है तो थ्री थ्री लिख दोगे इस तरीके से और वन पर कार्बोक्सिलिक है कितना में है तो टोटल संख्या सेवन है तो क्या लिख दोगे हेप्ट वन यहां क्या हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड कोई प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल ओके चलिए तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले आप हम आपको कुछ नोट दे रहे हैं बनाने के लिए अब उसको आप बनाएंगे एच डब्ल्यू में और हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो लीजिए आपके पास ये तीन प्रॉब्लम है ओके तो आप कैसे बनाएंगे इसको तो ये एच डब्ल्यू में है आप तो बनाकर कमेंट में लिखेंगे ही लेकिन हम आपको ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आप मिला लेंगे ओके तो सबसे पहले ये अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे बनाएंगे इसको तो जो अभी आपने देखा उसी के बेसिस पे है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कुछ इसमें तो है जो इजी भी है जैसे कि ये देख लो तो सेम रूल इस पर भी फॉलो हो जाएगा तो चलिए आप कैसे बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे ये हो जाएगा क्या स्पाइरो अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव दोनों साइड इक्वल है इसी को प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वो साइड है तो वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं वन टू थ्री फोर फाइव अब यहाँ देखना है तो ये हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा सेवन ये ज़्यादा पावरफुल है डबल बॉन्ड से ओ एज seven, तो सेवन तो एट नाइन टेन और यहाँ इलेवन कोई प्रॉब्लम नहीं अब काम करना शुरू कर देना है तो क्या हो जाएगा फाइव ब्रोमो है ना फाइव पे ब्रोमीन है तो फाइव ब्रोमो सेवन हाइड्रोक्सो सेवन हाइड्रोक्सो ओके इसके बाद क्या लग जाएगा इलेवन इन उसके बाद हो जाएगा स्पाइरो इलेवन इन स्पाइरो और इधर है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है इलेवन ये तो टेन पर ही पड़ जाएगा ना तो इसलिए टेन इन लिख लोगे टेन इन और फाइव फाइव और कितना हो जाएगा बाबू तो ई हट जाएगा तो अंडे केबो जिलिक एसिड ये एक का बन गया अब ये है इसको कैसे लिखोगे तो देखो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर तो यहाँ आ जाओ वन टू थ्री चूंकि ये एडजस्टेंट को मानना है तो वन टू थ्री अब इधर से मान लेते तो इसी को वन मान लेते है ना तो इसी को वन मान लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ वो प्रायोरिटी नहीं दे सकता है कि इसमें आ जाएंगे ये तभी होता है जब चैन इक्वल हो जाता है तब उसको प्रायोरिटी देते दे हैं ठीक है तो पहले छोटा से चलना है इसलिए छोटा से ही चलना पड़ेगा ओके तो छोटा सा चलना है ये वाला रूल याद रखना ये नहीं जाएगा कहीं तो आप वन पे लिख दोगे तो वन पे क्या है फॉर्माइल चूंकि कार्ब एल है तो ऐसे लिख दोगे वन फॉर्माइल ठीक है तो क्या हो जाएगा वन फॉर्माइल लेकिन यहां कार्ब एल्डिहाइड लिख हो लिखोगे चूंकि एड नहीं हुआ है कार्ब एल्डिहाइड ऐसे इस तरीके से वन कार्ब एल्डिहाइड या फॉर्माइल भी लिख सकते थे लेकिन इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला यहां ऑलरेडी लगा हुआ है तो ऐसे ही वन कार्बन और वन टू थ्री तो यहां हो जाएगा अस्पाइरो, अस्पाइरो थ्री वन टू थ्री फोर तो स्पाइरो थ्री, थ्री फोर वन टू थ्री तो क्या हो जाएगा स्पाइरो थ्री फोर और क्या हो जाएगा टोटल कार्बन की संख्या है सिक्स तो क्या हो जाएगा हेक्स हेक्सेन कितनी है टोटल तो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना तो ऑक्टेन हो जाएगा यहाँ ऑक्टेन सिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ये भी हो गया और एक और है लास्ट इसका कैसे बनाओगे ये तो सबसे हार्ड समझ लो है और सबसे इजी भी तो ये कार्बन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर इसमें भी वन टू थ्री फोर इसमें भी तब इसको प्रायोरिटी दे दो तो वन यहां से मान लो तो वन टू थ्री फोर फाइव अब इधर जाओगे तो इसको पहले लिखना है तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी दे दो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थोड़ा लॉजिकल भी दे, देखते हैं हम लोग माइंड से कि, कि किस तरीके से किसको पहले लिखा जाए अब इसका कैसे लिखोगे तो इस सब में सबसे एमिन यहाँ से हो जाएगा एमिनो ए से आता है तो पहले ये लिखा जाएगा ऐसे फोर एमिनो है ना सेवन ब्रोमो फोर एमिनो सेवन ब्रोमो एट मिथाइल है ना फोर एमिनो सेवन ब्रोमो एट मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट कितनी का स्क्वायर ब्रैकेट तो इधर कितनी है वन टू थ्री फोर इधर फोर है वन टू थ्री फोर दोनों साइड तो इक्वल है तो फोर फोर ही लिखाएगा है ना फोर एमिनो सेवन ब्रोमो एट मिटाइल स्पाइरो और टोटल कार्बन कितना है नाइन तो ऐसे लिख दोगे नून नेन, इन तक जाओगे ई को रिप्लेस कर लोगे और वन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए लिख दोगे वन कार्बोक्सिलिक एसिड कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये इस तरीके से है ओके तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट शॉट ले लें और ये जो भी तीन एग्जाम्पल हमने दिया था आपको ये तीनों काम को बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजो ओके ताकि हमें पता चले और आप मिला भी लेना कि जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से है या नहीं ठीक है तो ये जो कंपाउंड था ये साइक्लो के अंदर इतना ही था समझ लो कि ये साइक्लो का जो कंसेप्ट है वो इतना ही लास्ट है एक होता है और ट्राई साइक्लो जो कि हम किसी कंपाउंड के अंदर ही उसको अटैच कर लेंगे है ना और उसको क्लियर कर लेंगे हम लोग तो जो भी साइक्लो से रिलेटेड था जिसमें कि पहला साइक्लो कंपाउंड होता है दूसरा बाई साइक्लो और तीसरा होता तो ट्राई साइक्लो भी है लेकिन वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है ज्यादा दो प्रायोरिटी और ज्यादा जो पूछने वाला चीज़ है वो स्पाइरो से होता है और बाई साइक्लो से होता है और साइक्लो से होता है तीनों का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त हमने किया अच्छे से आप इसको पहले रिवाइज करें और इतना देखें इसको मेमोराइज करें और जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और उसमें जो एल्कोहल का नॉमन क्लेचर वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल आई तक रहेगा नीट का भी देखेंगे उसमें कुछ क् क्वेश्चन को आप जल्दी लाएँगे तो आप फिलहाल वेट करें तो आज के लिए जो है वो इतना ही धन्यवाद